नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं विनीत कपूर। हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो आज अपना गारंटी कार्ड लॉन्च करती नजर आई है। संदीप पाठक हमारे साथ हैं, बातचीत कर रहे हैं। पाठक साहब, हरियाणा में आम आदमी पार्टी आज अपना चुनाव प्रचार जो है उसकी विधिवत तौर पर शुरुआत करती नजर आई है, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव को और जिन गारंटियों के साथ आप हरियाणा के बीच में जा रहे हैं? मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगवाई वाली पंजाब सरकार दे यत्ना नाल किसानां नूं नहरां दीआं टेलां तक सिंचाई लई पानी मुहैया हो रहा है। फसलां दी सिंचाई लई 14,103 खालां नाल टेलां तक नहरी पानी पहुंचिआ है। पंजाब सरकार दे इस उपराले नाल ना सिर्फ किसानां नूं फायदा हो रहा है बल्कि इस दे नाल धरती हेठले पानी दी वी बचत हो रही है। मेरा नाम गुरमीत सिंह है जी, साडा पिंड शमशपुर सिंह है जी, तहसील खमाणा, जिला फतेहगढ़ साहब जी। 20 साल बाद साढ़े खेतों से पानी आया जी, भी भगवंत मान साहब ने जी पक्की पाइपलाइन बनाई है, बहुत बहुत धन्यवाद इन्हों का। साढ़े तो पानी आता नहीं सी, इस बार आया जी। मेरा नाम केशव सिंह है। सारिया सरकार तो वधिया अपराध, मुख्यमंत्री बहुत वधिया, असीं तां इह कहांगे भी। मेरा नाम गुरमिंदर सिंह, तुसीं देख सकते हो भी पिछे भी पानी चल रहा, इधर सूआ आ, इधरों भी पानी आ रहा है। असी मान सरकार दे सारे नगर वालों, सारे इलाके वालों बहुत धन्यवाद करते हैं कि साढ़े खेतों तक नहरी पानी पहुँचा है। क्या रिस्पॉन्स मिलता नजर आएगा? देखिए, केजरीवाल जी हरियाणा के हैं, केजरीवाल जी पे गुजरात ने भरोसा किया, पंजाब ने भरोसा किया, दिल्ली ने भरोसा किया, गोवा ने भरोसा किया, देश के हर कोने कोने में भरोसा किया है। अब केजरीवाल जी को हरियाणा की जनता तो भरोसा करेगी। केजरीवाल जी ने गारंटी दी है हरियाणा के लिए, उसमें शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है, रोजगार की है, सबसे इम्पोर्टेंट हर घर में महिलाओं को, जो 18 साल से ऊपर की महिलाएं उनको 1,000 रुपए सरकारी सम्मान राशि देने का, तो ये सारी गारंटी केजरीवाल जी जो देते हैं वो पूरा करते हैं। आज प्रश्न हरियाणा के सामने बड़ा सीधा सरल सिंपल सा प्रश्न है कि आज तक आपने जिन पार्टियों को वोट दिया है क्या उसने आपके घर के विकास के लिए कुछ किया है? क्या आपका मान सम्मान बचाया है? अगर नहीं बचाया है तो इस बारी बदल दो, इस बारी बदल दो और बदल के अपने बेटे केजरीवाल को एक मौका दे दो, बस एक मौका। अगर काम नहीं करे तो अगली बारी आप हटा देना जी। हरियाणा की अगर बात करें, यहाँ पर जो रिवायती पार्टियां हैं टर्म बाय टर्म शासन में रही हैं, इसके अलावा परिवार की राजनीति जो है, परिवारवाद की जो राजनीति है वो यहाँ पर हावी होती नजर आई है। इसके अलावा जाट नॉन जाट फैक्टर जो है वो भी यहाँ की राजनीति में असर दिखाता हुआ नजर आता है। तो आप इन सभी फैक्टर्स के बीच में आम आदमी पार्टी को हरियाणा में फिलहाल कहाँ खड़ा पाते हैं? देखो जी, इस तरह की राजनीति देश को बहुत पीछे धकेल देगी जी। आपको राजनीति हर इंसान की करनी चाहिए जी। और हरियाणा में 36 बिरादरी है, हमारी पार्टी 36 के 36 बिरादरी की राजनीति करती है, हरियाणा में रहने वाले हर इंसान की राजनीति करती है। और नए जमाने की राजनीति करोगे तभी तो देश को आप आगे ले जाओगे। यही वही घिसी पिटी राजनीति, मैं उस समाज का, मैं उस समाज का, मैं उसका, मैं उसका, वो तुम्हारा, मतलब पूरे देश की ऐसी तैसी कर डाली है इन्होंने। जनता को ये पसंद नहीं आ रहा है। जनता को क्या चाहिए? जनता को ये चाहिए कि भाई मेरा बच्चा है उसको अच्छे स्कूल में भेजना है, भाई मेरा बच्चा जवान हो गया है वो पढ़ लिख लिया है उसको नौकरी चाहिए, मेरी बेटी अगर बाजार जा रही है तो उसके मान सम्मान पे कोई आँच नहीं आनी चाहिए, सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, चारों तरफ ड्रग्स बिक रहा है, मतलब बर्बाद करके रखा हुआ है, कोई बीमार हो तो अस्पताल की व्यवस्था हो। तो ऐसा ऐसा राज्य बनाना है जहाँ सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, अभी तो देश आगे बढ़ेगा। और इन सबको ट्राई कर लिया, मैं ये नहीं कह रहा कोई गलत है, देखो हमको बड़ा सोचना पड़ेगा, मुझे ये नहीं कहना है कि ये गलत है वो गलत है, मुझे उस प्रपंच में पढ़ना ही नहीं है, मैं बस ये कह रहा हूँ आपने इन सारे लोगों को ट्राई करके देख लिया है, इन्होंने वैसा काम नहीं किया जैसा आप चाहते थे, तो एक बारी नवी पार्टी हरियाणा के लिए जो नवी है उसको मौका दे के देख लो बस। एक आखिरी सवाल, कैंडिडेट्स की अगर बात करें, दिल्ली और पंजाब की तर्ज पर क्या हरियाणा में जो कैंडिडेट आम आदमी पार्टी चुनाव मैदान में उतारेगी आम आदमी होंगे? आम आदमी होंगे, ये सारे यही कैंडिडेट होंगे, हमारे हमारे वॉलंटियर है, जनता है, आम जनता है, जिसके दिल में दर्द है हरियाणा के लिए, जो ईमानदारी से देश की सेवा करना चाहता है, उन सब का स्वागत है, वो सारे कैंडिडेट बनेंगे।
बिल्कुल बड़ी बात कही है संदीप पाठक ने, स्पष्ट लफ्जों में कहते हुए नजर आए हैं, जिसके दिल में हरियाणा के लिए दर्द है, यानी जो हरियाणा को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहता है वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ सकता है, आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट हो सकता है। फिलहाल आज पंचकुला से आम आदमी पार्टी जो है अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करती नजर आई है। गारंटी कार्ड जो है आज लॉन्च कर दिया गया है और इन्हीं गारंटी कार्ड के आधार पर आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी जो है जगह जगह जाकर लोगों के साथ जुड़ने का काम करेगी। देखने वाली बात रहेगी कि इन गारंटी कार्डों के आधार पर क्या हरियाणा में आम आदमी पार्टी पर जो हरियाणा की जनता है वो भरोसा जताती है या फिर नहीं। कैमरा पर्सन आनंद के साथ विनित कपूर, दैनिक सवेरा टीवी, चंडीगढ़। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।